Hello students, welcome to IIE. In this video, we are going to discuss about the time scaling operation on a continuous time signal. So, time scaling operation kya hota hai? Time scaling operation ka matlab hota hai ki if suppose I have a signal xt. So, if we have a signal xt and which is a continuous time signal, now let us replace and let us put the value of t as at. So put the value of t as a into t. This is the time scaling parameter. A is the time scaling parameter. So if I put that value, so what will be the equation? So it signals the value of x of at, and this x of at is called the time scaled version of this continuous time signal. So this is the time scaled version of xt. Now, ये जो time scaled version of xt है, that is xat, ये a का value बहुत सारे हो सकता है. Generally depending on the value of a, क्या हो सकता है कि a का जो value है that can be greater than 0 and less than 1. मतलब 0 और 1 के बीच में कोई value हो सकता है, और the value of a can be greater than 1. ये दोनों value possible है. So if 0 से लेकर 1 के बीच में एक value होता है तो आपका time scaling कुछ अलग होगा, और a का value अगर 1 से ज्यादा हो जाता है तो आपका a का value कुछ अलग हो सकता है. तो a का वैल्यू अगर 0 से 1 होंगे तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आ सकता है सिग्नल. सपोज मान लीजिए 1 बाय a का वैल्यू अगर 1 बाय 4 होता है जो 0 और 1 के बीच में है, तो दिस इज आल्सो द टाइम स्केल वर्जन. अब a का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होता है तो 40 में लिख सकता हूं. बहुत सारी चीज हो सकता है. तो 1 बाय 42 के 40 के लिए टाइम स्केलिंग वर्जन ऑफ xt अलग होंगे, और ये वाले जब a greater than 1 होंगे तो मेरा टाइम स्केल वर्जन अलग होगा. तो ये जो मेरा टाइम स्केल वर्जन है, जब मेरा a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, सो दिस ऑपरेशन जनरली प्रोड्यूस द एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल. एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल इन टाइम डोमेन. टाइम डोमेन पे मेरा एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल होगा. फॉर व्हेन द ए वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1. सिमिलरली फॉर ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, इट विल गिव द कंप्रेशन ऑफ द सिग्नल इन टाइम डोमेन. टाइम डोमेन पे मेरा कंप्रेशन होगा. तो ये कैसे होते हैं? मैंने तो यहां पे बोल दिया इसका मतलब कि यही होंगे, तो कोई तो मतलब नहीं. मुझे चेक करना होगा ये एक्सपेंशन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है. सो फॉर दैट पर्पस लेट अस टेक दिस सिग्नल xt. सो नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड x ऑफ 1/40. सपोज दैट मींस द वैल्यू ऑफ a is less than 1 but greater than 0. तो यहाँ पे है अभी a का value. So what will be the graph of x of 1/40? So उसके लिए मुझे यहाँ पे graph draw करना होगा. So this is the time axis, okay, and this is the x of 1/4t. Now अब देखिए मैंने क्या किया कि मेरा जो ग्राफ था, ये ग्राफ xt का माइनस 1 और 0 के बीच में ये वाला प्लॉट, और 0 से 1 के बीच में ये वाला, 1 से बीच में ये वाला. नाउ व्हेन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ 1/4t, देन हाउ टू फाइंड. क्या करना है कि मैंने अभी xt था उसको मैंने t इक्वल्स टू कितना पुट किया, 1/4 इनटू t.
ये वाला पुट किया तभी तो x ऑफ 1 बाई 4 t आएंगे. सो दैट मींस व्हाट वी हैव डन आई कैन से दैट राइट नाउ मेरा वैल्यू है t बाई 4 x ऑफ t बाई 4. सो x ऑफ t बाई 4 जो होंगे आफ्टर पुटिंग t इक्वल्स टू 1 बाई 4 t. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू xt. We have to convert this in xt because यहाँ पे t by 4 तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे t लिखना होगा. So उसके लिए आपका जो जो टाइमिंग इंस्टेंट है उस टाइमिंग इंस्टेंट को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो x by t by 4 को x of t by 4 को आप xt लिख सकते हैं. So that means जितने सारे टाइमिंग इंस्टेंट हैं 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 ये सारे टाइमिंग इंस्टेंट ऑफ xt को मुझे ये वाले 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. दैट मींस इट विल कम आउट टू बी -4, इट विल कम आउट एज 0, इट विल कम आउट एज 4, इट विल कम आउट एज 8. नाउ व्हाट विल बी द सिग्नल लाइक? सिग्नल जैसा था वैसा ही होंगे आपके पास कुछ इस तरीके का. सिर्फ अपना क्या हुआ, पहले -1 और 2 के बीच में मेरा सिग्नल था, अभी क्या हो रहा है -4 और 8 के बीच में मेरा सिग्नल है. दैट मींस द सिग्नल हैज बीन एक्सपेंडेड इन द टाइम डोमेन. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर कि मेरा सिग्नल एक्सपेंशन होता है टाइम डोमेन. सिमिलरली इन दिस केस आई कैन ऑल्सो राइट टाइम डोमेन पे अगर एक्सपेंशन होता है ये वाले केस में, तो इफ आई आस्क यू व्हाट विल हैपन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, then you can say that time domain पे अगर expansion होगा तो frequency domain पे compression होगा. so that means it can also be written like this, compression in frequency domain. ये भी लिख सकता हूँ. same thing. now आपने देखा कि a का value अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो time domain पे compression होता है. टाइम डोमेन पे एक्सपेंशन होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कंप्रेशन होता है. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड और हाउ द सिग्नल विल गेट कंप्रेस्ड व्हेन द ए वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो उसके लिए मुझे x ऑफ 40 ड्रॉ करना होगा. सो हाउ टू ड्रॉ द x ऑफ 40, सो लेट अस ड्रॉ हियर. ये मेरा t और यहां पे x ऑफ 40, आई वांट टू ड्रॉ x ऑफ. Now, जैसे ही मैं x of 40 ड्रॉ करने वाला हूं तो मैं लिख सकता हूं मुझे t equals to 40 पुट करना है, तभी तो x of 40 मिलेगा. so that means मेरा सिग्नल अभी x of 40 है. अब ये वाले सिग्नल को मुझे टाइम एक्सिस पे t रहेगा, 40 तो मैं लिख सकता ना. so यहाँ पे 40 है, यहाँ पे t है. So that means ये वाले 40 को अगर मुझे t पे represent करना है तो मुझे divide by 4 करना होगा. So that means xt के ऊपर time scale पे जितने सारे मेरे timing instant है वो सारे timing instant को मुझे 4 से divide करना होगा. So that's why यहाँ पे 2 था, 0, 1, minus 1, तो 0 by 4, यहाँ पे आएंगे 1 by 4, यहाँ पे 2 by 4, यहाँ पे -1/4. So that means right now it will come out to be like this. इस टाइप का सिग्नल होंगे. एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1, 2. Now what will be the time instant? अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 1/4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1/4. Now पहले क्या हुआ, 2/4 दैट मींस हाफ, सॉरी दिस इज हाफ. नाउ यहां पे xt कहां पे था, 2 से लेकर -1 तक. अब क्या हो रहा है, 0.5 से लेकर -1.4 तक, 1/4 तक. दैट मींस पहले -1 से लेकर 2 के बीच में था, अभी -0.25 से लेकर 0.5 के बीच में, मतलब सिग्नल को टाइम डोमेन पे कंप्रेशन किया गया. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द कंप्रेशन इन द टाइम डोमेन. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज कंप्रेशन एक्सपेंशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन आल्सो.
सो एक्सपेंशन ऑफ द टाइम डोमेन को मैं कंप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन लिख सकता हूं, तो कंप्रेशन इन टाइम डोमेन को मैं लिखूंगा यहां पे कि एक्सपेंशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो इन दिस वे वी कैन डू द टाइम स्केलिंग ऑफ एनी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. सो मेरा समरी क्या हुआ कि अगर मैं एक्स ऑफ सपोज मैं अगर एक्स ऑफ 1/4t करना चाहता हूं, जब मेरा a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब मुझे जितने भी टाइमिंग इंस्टेंट है यहां पे, ये सारे टाइमिंग इंस्टेंट को मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है, तो मुझे यहां पे एक्सपेंशन होगा टाइम डोमेन पे. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड 4 into t, देन वी हैव टू डिवाइड ऑल द टाइमिंग इंस्टेंट बाय 4. सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो इन दिस वे बाय यूजिंग दिस रूल यू कैन डू द टाइम स्केलिंग ऑफ एनी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.